आज हम भारत में निजीकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः निजीकरण एक ऐसा शब्द है जो आज से 10-15 वर्ष पूर्व अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन जब से हम अपनी अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की बात सुनते हैं, यह शब्द काफी प्रचलन में आ गया है। इस शब्द के साथ ही साथ आप पाएंगे उदारीकरण की चर्चा होती है और विश्व व्यापीकरण की भी बात होती है, अर्थात तीन शब्द जो आज हम ज्यादा प्रचलन में देख रहे हैं उसमें है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और विश्वीकरण। आज के इस चर्चा में हम निजीकरण पर विशेष रूप से बात करेंगे। 1991 से जो आर्थिक सुधार भारत में प्रारंभ हुआ उसी समय से इस शब्द को बहुत ज्यादा बल मिला है और सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत भी सार्वजनिक उद्यमों को जो महत्व 1956 की नीति में दिया गया था उसमें गिरावट लाई गई। आज सार्वजनिक उद्यम केवल 6 उद्योगों तक सीमित हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि लगभग 6 उद्योगों को छोड़कर सारी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र के लिए भी खुला हुआ है। इसी के साथ साथ आप यह देखेंगे कि निजीकरण क्यों लाएं, इसमें आजकल ज्यादातर लोग सार्वजनिक उद्यमों की शिकायत करते हैं, उसके निष्पादन के विषय में शिकायत करते हैं। उनका कहना है कि सार्वजनिक उद्यम लाभ नहीं देता। इस लाभ से उनका अभिप्राय केवल मौद्रिक लाभ ही होता है। इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि भारत में निजीकरण की क्या स्थिति है, इसका विवाद क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 विद्वान उपस्थित हैं। सर्वप्रथम प्रोफेसर उदरदत्त जी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के प्रिंसिपल करीब करीब 25 वर्षों से ज्यादा समय तक रहे हैं। इसके साथ ही वे भारतीय अर्थशास्त्र संघ के अध्यक्ष रहे थे और उस अध्यक्ष में जो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया था उनका विषय निजीकरण ही था। इसी के साथ हमारे साथ प्रोफेसर हजेला साहब हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लंबे समय तक पढ़ाते रहे हैं, वहां के वाइस चांसलर भी थे, मध्य प्रदेश में भी वे वाइस चांसलर रहे हैं और वे भी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में उनका काफी सोचना है और उनका एक अपना अधिकार भी है। तो मैं अब प्रोफेसर रुद्रदत्त साहब से यह निवेदन करूंगा कि ये बताने का कष्ट करें कि निजीकरण की बात होती क्यों। निजीकरण की बहस इसलिए उठी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यमों थे, उद्यम हैं, उनमें कुछ कमजोरियां पैदा हुई और सबसे बड़ी कमजोरी ये हुई कि ये महसूस किया गया कि सार्वजनिक उद्यमों में बहुत से घाटे कमाने वाले, घाटे में रहने वाले उद्यम हैं। ये जो घाटे में रहने वाले उद्यम थे इनको लगातार सरकार के खजाने से पैसा मिलता रहे, इस पर आलोचना हुई और ये कहा गया कि भाई ये कितनी देर तक सरकार इनको पैसा देती रहेगी अपने खजाने से। इसलिए या तो सार्वजनिक उद्यम जो हैं वो लाभ कमाना आरंभ करें और अपनी प्रत्यय दर जो है उन्नत करें, नहीं तो इन सार्वजनिक उद्यमों को चलाना सार्थक नहीं है। कारण यह था कि सार्वजनिक उद्यमों में स्टाफिंग पैटर्न ऐसा रखा गया कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ा ली गई, लागतें बढ़ गई और लागत और लाभ में जो अंतर था वो कम होता गया। तो इसलिए जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट था, लाभ अंतर, वो अच्छा नहीं बना। तो ये एक आलोचना का केंद्र रहा। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक उद्यमों में लाभ नहीं हुआ, और जो लाभ हुआ भी उसका भी बहुत बड़ा भाग केवल पेट्रोलियम के उद्यमों से हुआ। तो लोगों ने कहा कि बाकी क्षेत्र जो हैं उनमें सार्वजनिक उद्यमों का निष्पादन जो है वो सराहनीय नहीं है,
इसलिए हो सके तो सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए। उदाहरण के लिए कि परिवहन में अगर निजी क्षेत्र के उद्यम चल रहे हैं तो वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, और अगर सार्वजनिक उद्यम चल रहे हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चल रही, तो उनमें अधिकतर घाटा क्यों हो। बिजली के उद्यम हैं तो उनमें घाटा क्यों हो। इसमें सारे का सारा दोष जो है वो चाहे सार्वजनिक उद्यमों पर नहीं दिया जा सकता, सरकारी नीतियों पर भी है। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि सरकारी उद्यमों में हम मजदूरी और वेतन जो देते हैं वो निजी उद्यमों की तुलना में अधिक देते हैं। अगर मैं एक बात कहूं, आप टिप्पणी भी करें तो अच्छा रहेगा। राजनीतिकरण भी सार्वजनिक उद्यमों का बहुत हुआ, और उस राजनीतिकरण से काम न करने की टेंडेंसी और घूसखोरी और ये चीजें भी पड़ी, और इसकी वजह से मुनाफे कम। ये बात आपने ठीक कही कि उसमें वर्क एथिक्स जो है वो कमजोर रही, और वर्क एथिक्स से कमजोर रहने से, क्योंकि हमने कार्य में पूर्ण सुरक्षा दे दी, एक बार लग गया उसको कोई निकाल नहीं सकता, उस पर आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं, तो काम करवाना सार्वजनिक उद्यमों में कठिन हो गया। उससे लागतें बढ़ती गई, तो लागतें बढ़ती गई और प्रत्याय दर कम रही, तो इसलिए जरूरी था कि एक झटका दिया जाए सार्वजनिक उद्यमों को कि या तो वो उन्नत हो, और नहीं उन्नत हो सकते तो हम इन क्षेत्रों को, निजी क्षेत्र को खोल दें। ये बात 1985 में राजीव गांधी जी के युग से शुरू हुई, और उन्होंने लेकिन बहुत आगे कदम नहीं बढ़ाया। 1991 की नीति में ये बात खुलकर देश के सामने आई, जो नई औद्योगिक नीति हमने बनाई, कि देखिए सार्वजनिक उद्यम चलेंगे और उनको मोनोपोली जो है उनको एकाधिकार की स्थिति में रखें ये नहीं टॉलरेट होगा, इसलिए वो कंपटीशन में आए और वो भी जो है निजी क्षेत्र के उद्यमों को खोल दिया जाए। अगर एक तरफ खाद बनाने के कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में, साथ निजी क्षेत्र में भी हो, दोनों कम्पीट कर रहे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध है, जिसमें आपने खुद अभी कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र आगे आया है, तो वहां पर डुप्लीकेशन ज्यादा हो नहीं सकता। जहां मोनोपोली की डेंजर्स ज्यादा हैं, वहां पर इस वजह से भी ऐसे हैं कि ऐसे डेंजर्स हैं कि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो अगर कंपटीशन की बात हम करते हैं तो हो सकता है कि शायद उसका इतना अर्थ ना हो, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है लेकिन ज्यादा अर्थ ना हो। इसलिए ऐसी जगहों पर क्या आप नहीं सोचते कि सार्वजनिक क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ऐसी करने चाहिए? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमने निजी क्षेत्र खोलने के बाद भी ये अनुभव किया कि निजी क्षेत्र उसमें विनियोग नहीं कर रहा। जैसे ये बिजली का सवाल है, हमने खोला लेकिन निजी क्षेत्र से कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उससे देश को हानि हुई कि सार्वजनिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और निजी क्षेत्र ने किया नहीं, तो हमारा बिजली की मांग और बिजली की सप्लाई का जो अंतर था, जो गैप था, वो बढ़ गया। और इसलिए ये सवाल आज किया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र प्रवेश नहीं करना चाहता उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के दोष को कम किया जाए, जो दोष उनमें पाए जाते हैं, जो कमजोरियां पाई जाती हैं। जहां पर कंपटीशन हो सकता है वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र को एक अधिकार न देकर निजी क्षेत्र को लिए द्वार खोल दिए जाएं, ऐसा मैं समझता हूं नई औद्योगिक नीति का मत था। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि नई औद्योगिक नीति जो 1991 से हमारे पास है, उसमें सार्वजनिक उद्यमों के प्रति नीति में जो परिवर्तन आया है, नीतिगत परिवर्तन से मेरा अभिप्राय यह है कि सरकारी बजट से सार्वजनिक उद्यमों को अब राशि नहीं दी जाएगी और उन्हें खुद अपने आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए अपने साधन का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात
सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट, सरकार के बजट के तरफ से कोई सहायता उन्हें नहीं दी जाएगी और उन्हें केवल उनके ऊपर रहने को छोड़ दिया गया। इसमें कमी या इस बात की हुई कि सरकार ने एक तरफ तो अपने औद्योगिक नीति में यह कह दिया कि सार्वजनिक उद्यम अपने आप को खुद डिफेंड करें, लेकिन इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र को अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने पांवों पर खड़ा होने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया और उन्हें प्रदान नहीं किया। जैसा कि आज रिफॉर्म की हम बात करते हैं, वस्तुतः कुछ भी सुधार मेरे समझ से नहीं हुआ है जहां तक सार्वजनिक क्षेत्रों के संचालन का प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि वो सार्वजनिक उद्यम सही ढंग से काम करे तो केवल वक्तव्य दे देने से, एक मनसा व्यक्त कर देने से काम नहीं होता और निजीकरण की आलोचना जो है वह पहले से और अधिक हो रहा है और लोग कहते हैं निजीकरण कर दिया जाए। तो मेरी समझ से यहाँ यह है कि सार्वजनिक उद्यमों में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या नहीं किया और सरकार को तुरंत इस संदर्भ में क्या करना चाहिए। प्रोफेसर हजीला, आप कुछ प्रकाश डालेंगे? यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको स्मरण कराऊं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि राजनीतिकरण भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को खुलासा कीजिए, राजनीतिकरण इस में के जो अथॉरिटी चेयरमैन को होनी चाहिए, वहां के बोर्ड को होनी चाहिए, हाँ वो उतनी नहीं मिलती है उनको। और दूसरी बात यह है कि जो तमाम छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं, कार्स हैं, ये हैं वो हैं, हर तरह की चीजें और कमांड कंट्रोल और एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पार्टी का एक एडवांटेज, ये सब चीजें जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उद्यम हैं उनमें चेयरमैन कभी कभी सब नेता अपॉइंट होते हैं और उसकी कोशिश ये रहती है कि पार्टी का एक क्लाउट जो है वो कम से कम वहां पर बनता रहे। ये राजनीतिकरण है और ये ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से फिर वो फ्रीडम नहीं रह जाती उन लोगों को जो चेयरमैन हैं या जो डायरेक्टर्स हैं और लोग हैं। तो हमारा अपना ख्याल ये है कि ये एक चुनौती हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए भी है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र रहता है तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी किस तरह से अपने को चलाए ताकि लोगों के हित में सार्वजनिक क्षेत्र काम कर सके। देखिए, इसमें दो बातें करनी जरूरी है। पहली बात तो ये है कि सार्वजनिक उद्यमों के जो बॉसेस हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो अपॉइंट होते हैं, उनके चेयरमैन हैं जी, इनका जो अपॉइंटमेंट है ये पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होना चाहिए ताकि इसमें से जो प्रोफेसर हजेला ने बात उठाई राजनीतिकरण को अलग कर दिया जाए, उस पैटर्न से एक संस्था डेवलप हो तब ये राजनीतिकरण कम हो सकता है। दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपने अपॉइंट तो कर दिया, किसी तरीके से भी कर दिया, लेकिन उसको महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार, कौन सी वस्तु बनानी है, कितनी बनानी है, उसकी क्या कीमत निर्धारित करनी है, स्टाफ को कैसे डील करना है, इन प्रश्नों पर अगर हर समय मिनिस्ट्री से जाकर, अपने मंत्री से जाकर उसको हर वक्त निर्णय लेना पड़े तो ऐसा लगता है जैसे एक व्यक्ति को दरिया में फेंक दिया लेकिन उसके हाथ पीछे से बांध दिए और कहा कि तू तैर जा, वो तैर नहीं सकता। तो ये परिस्थिति सार्वजनिक उद्यमों में काम करने वाले चेयरमैन की है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए जो बात जरूरी है वो ये है कि इनको स्वायत्तता दी जाए और स्वायत्तता के साथ इनकी अकाउंटेबिलिटी, कि स्वायत्तता तो दे रहे हैं लेकिन आपको निष्पादन करके ये साबित करना होगा कि आप इस स्वायत्तता के योग्य हैं। जब तक ये दो चीजें हम सार्वजनिक उद्यमों में नहीं कायम करेंगे, सार्वजनिक उद्यमों के अंदर वो जो बात हम निष्पादन की दृष्टि से पैदा करना चाहते हैं वो पैदा नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। एक बात मैं अगर इजाजत हो तो कहूं, ये चीज आमतौर से कही जा रही है कि जहां रिसोर्सेज की परेशानी होती है, कोई भी कठिनाई हो एजुकेशन में, हेल्थ में, कहीं पे भी, निजी क्षेत्र को दे दीजिए।
मैं काफी समय से इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि निजी क्षेत्र रिसोर्सेज कहां से लाते हैं। ये तो ठीक है कि थोड़ा वेस्ट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के रिसोर्सेज तो एक नेशनल पूल ऑफ सेविंग से ही निकलते हैं। और मैं अर्थशास्त्रियों को देखता हूं कि सेविंग्स की, क्षमा कीजिएगा, एक इंप्रेशन देते हैं कि जैसे सेविंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कहां से आते हैं रिसोर्सेज? फाइनेंशियल सेक्टर से आते हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की पोजीशन इस वक्त यह है कि पिछले 5 वर्षों में प्राइमरी सिक्योरिटीज का सब्सक्रिप्शन 95% घट गया, और इतना ज्यादा घट जाना प्राइमरी सिक्योरिटीज के सब्सक्रिप्शन को, उससे स्टॉक मार्केट कैसे मजबूत होगा? स्टॉक मार्केट प्योर सेकेंडरी सिक्योरिटीज के शेयर कम हो गया तो उससे तो स्पेकुलेशन नहीं बनता। तो और आप इस वक्त आप देखते हैं एक कॉम्प्लिकेशन और भी पैदा हो गया है रिसेशन की वजह से। पोजीशन यह है कि कैश प्रॉब्लम्स कितने ही प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में पैदा हो रहे हैं, और कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। हालांकि सब ये कहते हैं कि साहब सेविंग्स की कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कमी का आप अंदाज लगा लें कि अगर 3 साल पहले हमारा 2,35,000 करोड़ मान लीजिए नेट इन्वेस्टमेंट था, अब कुल मिलाकर के 78,000 करोड़ ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट रह गया। इतना शार्प रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में बराबर होता चला जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता था कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसका कारण क्या है? रिसोर्स कंस्ट्रेंट है या नहीं है? अब देखिए ये पोजिशन हो गई है कि कॉर्पोरेट्स अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कैश प्रॉब्लम्स की वजह से मीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिजर्व बैंक का स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि IDBI और ICICI इन लोगों के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 45,000 करोड़ पड़ गए। ये सब अब तो नहीं निजी क्षेत्र, अब तो सार्वजनिक क्षेत्र को उस तरह से मदद नहीं मिल रही है किसी तरह की, जो तमाम पहले बातें कही जाती। तो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता था कि ये जो कहा जाता है कि निजीकरण से रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। इस सिलसिले में यह भी याद रखने की जरूरत है कि अगर निजीकरण सिर्फ प्राइस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हल करता है तो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मैं इसको कोई मतलब नहीं समझता, क्योंकि प्राइसेस तो आप कभी भी किसी चीज की बढ़ा करके और इनइक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन से प्राइस इंपैक्ट के आप कुछ भी रिसोर्सेज वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमेशा कठिनाई आएगी और वो चल नहीं सकेगा। नहीं, वास्तव में जो बात कही जा रही है, रिसोर्सेज तो इकोनॉमी में उसकी शॉर्टेज तो रहेगी, दुर्लभता रहेगी, लेकिन जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य का संबंध है उसमें तो प्राइवेट सेक्टर कह भी नहीं रहा कि हम आएंगे, ज्यादा नहीं जो कहते तो है कि आ जाए, लेकिन जो क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें वो आना चाहते हैं, इंश्योरेंस में आना चाहते हैं और चीजों में आना चाहते हैं, वस्तु उत्पादन में आना चाहते हैं, तो जिन खाद के उत्पादन में आना चाहते हैं, जिन क्षेत्रों में वो आना चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं, या वो देशी विदेशी ब्लैक मनी से कहीं से लाना चाहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि हमें इजाजत दो, एक अधिकार को तोड़ो, उस हद तक वो बात बन जाएगी। लेकिन और ये सोचेंगे प्राइवेट सेक्टर के पास सब चीजों का समाधान है, ऐसी बात जैसा आपने फरमाया ये ठीक है, मोटे तौर पर समष्टिवादी दृष्टिकोण लेते हुए ये जो एक बहुत आसानी से बात कही जाती है कि साहब रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हल हो जाए अगर आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर, ये एक बहुत सरल किस्म का एनालिसिस है, बहुत नाइव है, मेरा ख्याल ये है कि बहुत नाइव है और इसमें बहुत दम नहीं। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि सही है कि साधन की कमी है और साधन की कमी बनी भी रहेगी। निजी क्षेत्र भी साधन उसी स्थान से लाएगा जहां से सार्वजनिक क्षेत्र लाएगा, और इसी संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि हमें शायद साधन कुछ विदेशी या विदेशों से प्राप्त होगा, और कहा भी जाता है कि भारत में विदेशी विनियोग होगा और वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही होगा और इससे निजीकरण को और भी बल मिलेगा। लेकिन हमें देखना यह है कि सरकार का तर्क कभी कभी यह दिया जाता है कि निजी क्षेत्र जो आएगा चाहे वो विदेशी हो या देश के अंदर घरेलू पूंजी से हो, वो एक खास तबके का ख्याल रखेगा, एक खास वर्ग का ख्याल रखेगा, और सरकार का जो साधन आज निजी जो सार्वजनिक उद्यमों पर खर्च होता है वहां से हटाकर, खर्च से मेरा मतलब है सार्वजनिक उद्यमों के हानि जो सरकार बर्दाश्त कर रही है वो सरकार को बर्दाश्त नहीं करना होगा,
और वही साधन शायद सरकार सोचती है कि वो सोशल सेक्टर या समाज के गरीब वर्ग के लोगों के ऊपर खर्च करेगी और सरकार का साधन थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा तर्क कभी कभी सरकार के तरफ से दिया जाता है, इसलिए कि वो कहते हैं कि निजीकरण हो। और जैसा कि प्रोफेसर दत्त ने बताया और प्रोफेसर हजेला ने भी कहा कि निजी क्षेत्र को जहां विनियोग करना चाहिए, खासकर जैसे बिजली के क्षेत्र का उदाहरण दिया गया, वह आया नहीं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि भारत जैसे देश में अगर देखा जाए तो निजीकरण को कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं है, और अगर सपोर्ट है तो वो एक निश्चित निजी वर्ग के तरफ से है, कुछ कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग ही इसकी वकालत करते। अगर आम जनता से इसकी बात की जाए, शिक्षा जगत में विद्वानों की राय ली जाए और राजनेताओं की भी राय लिया जाए, तो ये समझा जाता है कि भारत में निजीकरण से जो लाभ की अपेक्षाएं की जाती है वह नहीं मिलेगा, और इसका मूल कारण हो जाता है हमारा अपना सामाजिक ढांचा, अर्थात जो जनसंख्या है, लोगों की जो आमदनी है। सिंह साहब, आपने ठीक कहा कि निजीकरण को हमने कॉर्पोरेटाइजेशन के समान अर्थक बना दिया जी, निगमीकरण के समान अर्थक बना दिया, और ये हम समझने लगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर का विकास जो है वही निजीकरण है। कुछ हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सामाजिक समस्याओं को हल करेगा ऐसा नहीं है। सामाजिक समस्याओं को तो समाज ही हल करता है, और अगर थोड़े घाटे वाले उद्यम छोड़ भी दिए गए तो उससे इतने साधन उपलब्ध नहीं होंगे कि सामाजिक समस्याएं जो हैं गरीबी की बेरोजगारी की हल हो सकें। उसके लिए तो हमें फिर भी अपने योजनाओं के अंदर विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार हम रोजगार प्रधान क्षेत्र को विकास करें, वो तो अलग बात है। यहां पर चूंकि हम बहस निजीकरण पर कर रहे हैं, निजीकरण की लहर दुनिया भर में फैल रही है, खासकर सोवियत संघ के पतन के बाद एक विश्वास बन गया, एक लहर बन गई, उस लहर में अभी दुनिया चल रही है। जैसे 20वीं शताब्दी के पहले भाग में राष्ट्रीयकरण की लहर थी, अब उसका दूसरा पहलू आया है, यानी एंटीथीसिस डेवलप हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एंटीथीसिस कुछ समय तक और चलेगा, और उसके बाद फिर एक सिंथेसिस डेवलप होगा, जिसको हम ये कहेंगे कि क्षेत्र निर्धारण का सवाल आएगा कि कौन से क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रहे, कौन से क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए रहे। वास्तव में ये सारी बहस जो है बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि दोनों क्षेत्र जो है साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे, ये बात ऐसा स्पष्ट है। मेरे समझ में आता है कि कुल मिलाकर के निचोड़ ये निकलता है कि विनिवेश पद्धति, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ये एक पिछड़े हुए गरीब मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, और उसमें जो बातें हैं पहले कही गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत पूंजी पदार्थ और ये सब, और साथ ही साथ और प्रकार के वेज गुड्स और वो चीज़ें जो उनको मिलती हैं, वो रोजगार, इन सब चीज़ों, इन सब में इन्वेस्टमेंट पैटर्न कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। और ये क्लियर है कि लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट पैटर्न चाहते हैं जो प्रो पीपल हो, प्रो पुअर हो, प्रो मासेस हो, और इसलिए चूंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ सप्लाई डिमांड और प्रॉफिट के हिसाब से चलता है, इसलिए वो इसमें फिट इन नहीं कर सकता कंप्लीटली। कुछ चीजें कर सकता है, करता है, हमारा फार्म सेक्टर है फ्री एंड ऑल दैट, तो ये तो चीजें चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा बकान शुरू हुआ तो उसमें एक ये पहलू था कि पब्लिक सेक्टर में प्रौद्योगिकी का ध्यान नहीं किया जाता है, तकनीकी विकास का इतना ध्यान नहीं किया जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन की वजह से ऐसा हो सकता है। जहां तक निजीकरण का प्रश्न है, शायद हमारा निष्कर्ष यह है कि
कि भारत के लिए निजीकरण कुछ खास दिए हुए क्षेत्रों में सही हो सकता है, लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक की दृष्टि से, समष्टिगत दृष्टि से देखें तो वह उचित नहीं होगा, इस कारण कि हमारा सामाजिक परिवेश विदेशों जैसा नहीं है, आम लोगों की आमदनी बहुत कम है और इसके लिए सार्वजनिक उद्यम और सरकार की भूमिका अहम बनी रहेगी। और यहाँ पर ध्यान देना होगा और खासकर इसके लिए एक माहौल भी उत्पन्न करना होगा कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की बुराइयों को कम किया जाए। दूर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जहां सार्वजनिक उद्यम होंगे कुछ न कुछ राजनीति की बात आ ही जाएगी, तो जो बुराइयां हैं उसको कम किया जाए और ज्यादातर काम सार्वजनिक उद्यम आम जनता के हित के लिए करे। लेकिन इसी के साथ साथ जहां तक सार्वजनिक उद्यम में सुधार का प्रश्न है, और जैसा कि इस चर्चा का निष्कर्ष हुआ कि सार्वजनिक उद्यमों को काम करने की स्वतंत्रता दिया जाए और उनको स्वतंत्रता देकर ही उनसे उत्तरदायित्व की अपेक्षाएं भी रखी जाएं। आप दोनों का इस स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद।